जनपद में प्रतिदिन मौसम अपना रुख बदल रहा है तथा तपती हुई धूप उमस से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा सूचना मिला है कि लगातार तापमान बढ़ रहा है। अभी अगले 5 दिनों तक गर्म तेज हवाएं चलेंगी, इसके साथ साथ तापमान भी गर्म रहेगा। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकलें तथा फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और ढीले और मोटे कपड़े पहने ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके, तथा जब भी घर से बाहर निकलें छाता टोपी तथा गमछे का इस्तेमाल करें जिससे धूप की किरण से बच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी लगातार तापमान बढ़ रहा है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है तो अगले 5 दिनों तक तेज हवाएं जो लू की हवाएं हैं वो रहेगी, ताप हवाएं चलेंगी, तो इसलिए अभी आगामी चार पाँच दिनों तक लू का प्रकोप बन सकता है। तो इस तरीके से अभी मौसम थोड़ा गर्म रहेगा। लोगों को बचाव के लिए क्या है? देखिए सभी से मेरा आग्रह यही है कि यथासंभव बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो समुचित व्यवस्थाओं के साथ बाहर निकलें। पेयजल जो है, मतलब जो मौसमी फल हैं तरबूज वगैरह इत्यादि, उसका सेवन करें और ढीले और कपड़े पहनें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और जब भी घरों से बाहर निकलें तो छाता इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट सन रेज उनके ऊपर ना पड़े। और बच्चों को भी इस समय थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तेज धूप में वो लोग भी बच्चों को पार्क इत्यादि में ना छोड़ें। इस तरीके से अगर हम समुचित व्यवस्थाएं करेंगे तो जो ये गर्म हवाएं हैं इससे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है।